नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ फतेहपुर सिकरी विधानसभा क्षेत्र के मसेलिया गांव में, और इस गांव के लोगों से मैं बातचीत करने तो आया था चुनावी मुद्दे को लेकर, कैसी सरकार, किसकी सरकार, क्या मुद्दे, क्या उम्मीदें। लेकिन गांव में जब आया तो गांव के ज़्यादातर लोग नाराज़ इस बात को लेकर हैं कि गाँव की जो सड़क स्कूल की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ जाती है, वो सड़क दशकों से नहीं बनी। कई सरकारें आई गई, कई विधायक आए गए, हारे जीते, सड़क नहीं बनी। और बीते 4.5 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, जो विधायक हैं वो यहाँ से मंत्री भी हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। और फतेहपुर सीकरी के जो सांसद हैं, लोकसभा के बीजेपी के सांसद हैं, राजकुमार चाहर नाम है, वो बड़े नेता के तौर पर, किसान नेता के तौर पर बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करती है, किसानों का गांव है। तो ये लोग चाहते थे कि उस सड़क को देखें, जो सड़क नहीं बन पा रही है, बावजूद इसके कि इस गांव के लोग लखनऊ से लेकर फतेहपुर सीकरी के जिला मुख्यालय पर कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी चाहत थी कि मैं उस सड़क को देखूँ। तो यहाँ से कितनी दूर है वो सड़क? यहाँ से स्टार्ट होगी, गांव से निकलते सड़क स्टार्ट है, वो स्टार्ट है सड़क, गांव से निकलते ही स्टार्ट है सड़क। और ये सड़क कहाँ जाती है जरा बताइए? चेंगारा गांव के लिए जाती है, चेंगारा। चेंगारा से क्रावली और कागरौन, एक एक करके बात करिए। हाँ, चेंगारा जाती है, चेंगारा से क्रावली और इस साइड में कागरौन। तो ये सड़क वैसे कब से नहीं बनी है? ये कब 20 साल हो गए इसको नहीं बनी है। जी ने बनवाई थी राजबब्बर, एक 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 करके। हाँ, 2009 में राजबब्बर ने बनवाई थी, उसके बाद में अभी तक सड़क में कोई रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। तो अभी जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ तो कंक्रीट है, कितना दूर है आगे वो? ये 500 मीटर आगे से, और वो सड़क है, उसके बाद में 1 किलोमीटर तो थोड़ी सी ठीक ठाक सी है, उसके बाद में पूरे में गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो गड्ढे हैं, तो जैसे अभी वहाँ कुछ लोग बता रहे थे, उससे मुश्किल होती है स्कूल जाने में बच्चियों को, कई महीने तक ऐसी दिक्कत होती है। पानी भरा हुआ है वहाँ, पूरे गड्ढे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, ड्रेस व्रेस तो खराब होती हैं, पर बच्चों के हाथ पैर भी टूट जाते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता किस रास्ते में, किस साइड में कमी है, किस साइड में गड्ढा है, किस साइड में नहीं है। तो ये बताओ, जैसे इस सड़क के लिए, हालांकि आज की तारीख में इस मुल्क में जब गड्ढा मुक्त सड़क के नारे हों और गांव-गांव में सड़क बिछने के दावे हों, तो फिर ऐसी स्थिति में किसी गांव में ऐसी सड़क हो कि गांव के 100 आदमी से अगर बात करें तो 100 के 100 लोग उस सड़क की बात करें और सड़क को मुख्य मुद्दा माने, तो मेरी दिलचस्पी इसलिए हुई कि उस सड़क को देखा जाना चाहिए। आखिर क्यों ऐसी सड़क है अभी भी, या क्या वजह है कि एक सड़क, स्थानीय विधायक जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, एक सांसद जो बहुत बीजेपी के कद्दावर सांसद माने जाते हैं, उनके रहते हुए ये इस इलाके की सड़क क्यों नहीं बन पाई? तो वही देखने हम जा रहे हैं। तो उससे दिक्कत क्या होती है जो सड़क नहीं है, टूटी हुई है इससे, या बारिश के मौसम में पानी है उससे? 3-3 फुट पानी भर जाता है सा, और जैसे जनता निकलते हैं, कई एक तो लेडीज जाए पड़ी हैं और बिना कोई पैर भी टूट गए, और एक भी पड़ा है आज की तारीख। आर्मी की तैयारी के लिए कोई वही नहीं, ग्राउंड कहाँ रेस करें? अगर सड़क पे भी रेस हो जाती थी, अगर सड़क सही होती तो रेस करने के लिए कोई वही नहीं है। रेस करने के लिए आगरा जाना पड़ता है हमें ग्राउंड में। स्थानीय विधायक हैं जो उदय भान सिंह बीजेपी के, उनसे आप लोगों ने बात की है सड़क को लेकर? कई बार की है, सड़क के लिए गए थे, घेराव भी किया था सांसद जी से, विधायक जी का, वो बोल रहे थे तुम में खून है, वही मुझ में खून है, नहीं कुछ हो सकता, मैं भी जाट हूँ। मतलब उन्होंने ये कहा था तुम जाट है, तुम इतनी गरमाई से बात कर रहे हो, मिनकी गरमाई से हम यो कर रहे हैं, जब तुम सरकार में होते हुए भी मंत्री आप कार्य क्यों नहीं करवा रहे? आपका उस समय मुद्दा था कि मुझे वोट दो, मैं सड़क बनवाऊंगा, आपने सड़क को क्यों नहीं बनवाया? ये बताओ, विधायक ने जो अभी विधायक है या सांसद है, उन्होंने आपके वादा किया था कि सड़क बनवाए? किया था हमसे, राजकुमार ने खुद वादा किया था, फोन का रिकॉर्डिंग भी है, राजकुमार चाहर के साथ गए उस समय, बोला हाँ मैं वादा करता हूँ आपके गाँव की वोट आप दिला दो। रात रात में पलटा पलटा हमने पूरे गांव को हाथ पांव जोड़ के, नहीं मैं भैया आपके कल या चार है देख भाई, और राजकुमार वादा करके आज तक 4 बाटी में 265 गांव में दर्शन करने नहीं आया, चलती तो क्या है सड़क, देखता ही नहीं है। अब बाकी लोगों से भी बात करें, एक सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए। एक दिन मैं आगरा गया था, तो उस दिन उदयवान जी के ड्राइवर ने बोला, बोल भाई साहब कौन सा गाँव है, मैं मसेलिया, बोल बड़े बड़े बेनकारे हेड, बोल आपने सड़क बनवा ली, बोल लो हाथ करके कही, बोलो बनवा लो सड़क। मैंने कहा भाई साहब सड़क नहीं बनाएगी, जब जैसे पहले हथ कहे ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आप भी तो विधायक नहीं हो जाओगे,
आप भी विधायक होके देख लो एक बार। नहीं तो सड़क क्यों नहीं बनी, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी देखूंगा तब पता चलेगा कि ऐसा क्या रॉकेट साइंस चाहिए कि सड़क नहीं बन पा रही है। सर हमने वोट नहीं दी थी इसलिए ये सड़क नहीं बन रही है। ये कौन कहता है? उदयवान का ड्राइवर। आप आ गए, आपका क्या नाम है? राम किशन है सर। राम किशन जी, तो ये जैसे कुछ बच्चियां आ रही थी, दो तीन बच्चियां थी, कहाँ है? बच्चों एक मिनट आना, बेटा आ जाओ, बच्चे दोनों बच्चे तीनों बच्चे आ जाओ, तीनों बच्चे को बुलाओ पीछे, तीनों बच्चे आ जाओ। अब ये क्या हुआ कि जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा था कुछ लोगों से बातचीत, वहां अचानक दो बच्चियां आई और उन्होंने कहा हमारी मुश्किल है कि सड़क पर चार महीने पाँच महीने पानी रहता है, उससे हम स्कूल नहीं जा पाते, साइकिल से भी नहीं जा पाते, पैदल भी नहीं जा पाते। तो मैंने कहा मैं उन बच्चियों से भी बात करूँगा, और जब बेटियों की शिक्षा को लेकर योगी मोदी की सरकार चिंतित है, पढ़ेगी बेटियां और बढ़ेगी बेटियां जैसी बातें होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें होती है, तो इस गांव की बेटियां ऐसी सड़क से गुजरकर अपने स्कूल तक नहीं जा पाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मुश्किल है और शिक्षा की भी मुश्किल है। और वो दो बच्ची खुद कहने आई, उस बच्ची से भी मैं इसी वीडियो में कोशिश करूँगा, पीछे है आ रही है वो बच्ची, उससे भी बात करूँगा। और ये गाँव के लोग, अब यहाँ से दूर बहुत ज़्यादा है क्या? आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है, मोटरसाइकिल पे चलता है। पानी तो इधर से इधर पलटा लेता है, इधर से इधर पलटा लेता है, पूरी जमीन बंजर रह जाती है इस समय। पूरी जमीन बंजर है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये देख रहे हैं आप खाली खेत पड़े हुए हैं। यहाँ से थोड़ी आगे जाके बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो जाता है, हमारा कोई रास्ता नहीं है। हम सांसद जी के यहाँ पे भी गए, सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया, हमने कहा तुम थोड़ी बहुत गिट्टी डलवा दो यहाँ पे, लाल गिट्टी डलवा दो, उन्होंने कही ठीक है डलवा दूंगा। उन्होंने वैसे किसी के पास में फोन लगा दिया, लेकिन आज तक एक ट्रक गिट्टी नहीं खिली यहाँ पे। चलो ये देखते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे कि अगर गांव के इतने लोग चाहते हैं कि सड़क बने, तो ये सड़क बन क्यों नहीं रही है? कोई सुनी नहीं, सुनाई नहीं कर रही सरकार, सरकार तो बहुत कहते थे, कोई आमत ही ना। क्यों नहीं बनी सड़क? वो ये कहते हैं साहब कि इस गाँव ने हमारे लिए वोट नहीं दिया। तो आप लोगों ने वोट बीजेपी को नहीं दिया? बीजेपी को वोट दिया, सांसद जी को वोट दिया, सांसद जी ने हमसे वायदा किया कि अब की बार मुझे वोट दो मैं तुम्हारा रोड बनवा दूंगा, परंतु आज तक नहीं। सांसद जी के घर पे भी गए, उन्होंने कुछ नहीं सुना हमारा, और विधायक जी का घेराव किया तो उनका पुत्र आया कार्यालय पर, करावली में तहसील के सामने कार्यालय खुला हुआ उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाट हूँ, आप जाटे तो मैं भी जाट हूँ, मेरा भी खून जाट का है, और ये सड़क कभी नहीं बनने वाली है। ऐसे नहीं, कभी नहीं बनने वाली है, क्यों पता नहीं उनको, पता नहीं क्यों। वो इसलिए नहीं बनने वाली है साहब, मैं बताऊं, वो लोग कहते हैं कि जो पैसा इस सड़क में हम लगाएंगे 1 करोड़ या 1.5 करोड़, तो उससे हम 15 गांवों का विकास करेंगे। ये मसला ये ही पड़ा रहे, इसमें विकास नहीं होने का है, वहाँ से हम 15 गांवों में पैसा लगाएंगे तो वहाँ से हमें अधिक वोट मिलेगी, जबकि बजाय इस नगले की। अच्छा, इस जो मसेला गांव है, इसकी आबादी, इसकी आबादी, एक मिनट, एक ही बात बार बार रिपीट मत करो, ये जो मसेला गांव है इसकी कितनी आबादी है? इसकी साहब 800 के करीब वोट है, इसमें 1500 के करीब आबादी है, 1500 आबादी है, 800 वोट है, और अब लगभग आधा किलोमीटर गांव से हम लोग आ चुके हैं, आगे चलते हैं। दूर है तो मैं मोटरसाइकिल से जाऊँ क्या? जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल से चलो, थोड़ा 500 किलोमीटर से बिल्कुल सड़क, 500 किलोमीटर नहीं 500 मीटर बिल्कुल सड़क का नाला रूप ले चुकी है। चलिए चलते हैं। इससे एक नुकसान हो रहा है सर, क्योंकि हमारे गांव में कम से कम 150 आदमी, 150 आदमी हस्तशिल्पी थे जो मूर्तियां बनाते थे, अब सड़क की वजह से लगभग 12 साल से 15 साल भी हो गई, इस पर आने जाने की वजह से उन्होंने आगरा से कॉन्ट्रैक्ट था मूर्ति बनाने का, तो उसको माल कच्चा लाने और पक्का ले जाने की वजह से हस्तशिल्पी बैठ चुके हैं, करीब करीब 3-4 लोग हस्तशिल्पी रह गए इस गांव में। मतलब यहाँ से चले गए? चले गए, और उन्होंने काम ही छोड़ दिया, मजदूरी छोड़ दी, क्या करें, दो पैसे मिले, यानी किसी के फ्रैक्चर हो गया, इस पे गिर के, इस पे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं उन लोगों के, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये सब जो सड़क है, अभी सड़क की बात करो, बरसात में पानी होता है? जी बिल्कुल, 3 महीने इसमें पानी चलता है पूरा। लेकिन ये बताओ, ये भी तो कह सकते हैं लोग कि अभी जैसे पानी भरा हुआ है, सड़क नीची है, मतलब फिर सड़क को ऊंची करनी पड़ेगी? हाँ, उठाने के आदेश है, 3 फुट उठाने के, 3-4 फुट ऊंची उठेगी जब इसकी पानी की सुविधा निकाली, क्यों साइडों से नाली और ऊंची उठ जाएगी तो फिर जब सड़क चले, और नहीं तो इस तरीके से देख रहे हो आप साइड में, ये सारा पानी इसी पे आता है पूरा,
जब तेज पानी आता है। इन लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में तीन महीने पानी रहता है, तीन चार महीने कंटिन्यू पानी चलता है सड़क पर, तीन चार महीने सड़क पर पानी रहता है। हालांकि सड़क नीची है, अब क्यों नहीं सड़क बनी ये अलग बात है, उसी में कूद जाता है खेत में। चलिए फिलहाल हम आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कहाँ तक चल रहा है। अभी गर्मी भी बहुत है, पसीना भी चल रहा है। चलो बिठाओ। अब जरा आधे पौन किलोमीटर आ गए हैं, अब जरा बाइक से आगे चलते हैं। धूप भी है और हमें दूसरी जगह भी जाना है, और गांव वाले, ये बच्चियां भी आ रही है, आप लोगों से भी बात करेंगे। गांव वाले चूँकि चाहते हैं कि वो सड़क देखी जाए, मैं भी देखता हूँ, हालांकि इस सड़क की भी बात हो रही है कि ये सड़क बरसात में डूबी रहती है। आप लोग दौड़ो मत, आराम से आओ, चलो 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 बढ़ाओ। यह सड़क की तो आदत पड़ रही है दौड़ने की, टूटी हुई है। गांव की एक सड़क देखने जा रहे हैं, फतेहपुर सिकरी के, कौन से गांव बताया? मसेलिया, भूल जाता हूँ नाम। और गांव वाले चाहते थे कि वो सड़क मैं देखूं, जिस सड़क पर चार महीने खास तौर से पानी लगा रहता है, तीन तीन फुट चार चार फीट, ऐसा गांव वालों का कहना है। और उधर से जाना मुश्किल होता है, स्कूल और अस्पताल सब उसी दिशा में। कई लड़कियाँ भी गाँव में मिली, वो भी यही शिकायत कर रही थी कि हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। और कोई भी विधायक सांसद कितनी भी बार अपील करने के बाद भी इस सड़क पर ध्यान नहीं देता है। अलग बात है कि चुनाव के मौसम में कोई भी वोट मांगने आता है तो इस सड़क को बनाने के वादे ज़रूर करता है, और यही नाराज़गी इस गांव के लोगों की स्थानीय विधायक से है, जो बीजेपी के विधायक हैं उदयभान सिंह, जो योगी सरकार में मंत्री हैं। और यही शिकायत जो स्थानीय सांसद हैं राजकुमार चहर, उनसे भी गाँव के लोगों की है। और अब ये यहाँ सड़क देखने में क्या दिखती है सड़क, और क्या इनकी शिकायत, यही समझने के लिए मैं भी ज़रा उस सड़क की तरफ जा रहा हूँ। और चूँकि गांव से काफ़ी दूर, मुझे लगता है कितना किलोमीटर है, ढाई किलोमीटर, और धूप भी है, इसलिए मैं बाइक पर आ गया। हमारे कैमरा सहयोगी भी दूसरे बाइक पर हैं, अब चलते हैं ज़रा। अब ये गांव के लोग मुझे सड़क दिखाने के लिए यहाँ तक लेके आए, मैं बाइक पर यहाँ आया हूँ, और पीछे ट्रैक्टर पर ये देखिए लगभग 20-25 लोग भी पीछे पीछे आ गए। और ये सड़क है, इनका कहना है कि ये जो सड़क है, जो अभी यहाँ 300-400 मीटर आगे तक पानी सड़क पर दिख रही है, इनका कहना है गाँव के लोगों को का कि बरसात के मौसम में 4-5 महीने तक यहाँ कितना पानी रहता है, यहाँ सब 2-3 फुट पानी चलता है पूरी सड़क पर बरसात के महीनों में। अभी भी बरसात थोड़ी सी कम हुई है, तब पानी कम है, नहीं तो पानी इतना रहता है कि सबको पैंट या जो भी है कपड़े उनको ऊपर उठा के चलना पड़ता है। यहाँ से कितनी दूर तक ये सड़क में जलमग्न? 2 किलोमीटर तक पूरा पानी चलता है, यहाँ से 2 किलोमीटर तक पानी है। तो ये गाँव के लोगों की शिकायत है कि 2-2.5 किलोमीटर तक 4 महीने तक जलमग्न रहता है। और ये सड़क आपके गाँव से, ये सड़क कहाँ किस गाँव को जोड़ती है? ये जेंगारा हमारी ग्राम पंचायत लगती है, जेंगारा ही मेन बाजार हमारा पड़ता है। यहाँ हम सामान खरीदने, खाने पीने का या कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते तो हमें यहाँ आना पड़ता है। यही हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, यही इंटर कॉलेज है, और यहाँ भी स्कूल है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी आना पड़ता है तो वो यहीं होकर निकल कर आते हैं। लेकिन उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि जो यहाँ से जो महिलाएं जो चारा लेके आते हैं, रुकिए, अब जैसे देखिए गौरव, ये दो बच्चियां आ रही हैं गांव से, ये स्कूटी से चलाती हुई आ रही हैं, मेरे ख्याल से बाहर से ऐसे पानी में, हालांकि अभी पानी कम है, वो चला के आ भी पा रही हैं। लेकिन जब यहाँ पानी, जैसा कि कहते हैं 2-2 फीट पानी होता है, तो इनकी मुश्किलों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मिनट रुकिए, आप क्या नाम है आपका? रमा। आपका क्या नाम है? उमा और रमा, बहन हो दोनों? हाँ। उमा और रमा, क्या करते हो आप? पढ़ने जाते हो। किस गांव के रहने वाले हो? मसेलिया। अच्छा, मसेलिया के ही हो आप? हम लोग मसेलिया से आए, सब लोग घेर कर लेके आए मुझे कि वो चलिए जहाँ सड़क पे पानी है वो देखिए। मैं रिपोर्टर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। तो क्या पढ़ते, कहाँ पढ़ते हो आप? कोचिंग जाते हैं। आप भी कोचिंग के लिए जाते हो? हाँ। तो ये जो पानी में आपको दिक्कत होती होगी, हालांकि अभी तो पानी आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम तो गिर भी गए हैं कई बार यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो गिर भी, अभी तो थोड़ी कम दिक्कत होगी, पानी थोड़ा कम हुआ है बरसात में। बारिश में तो ये पूरी डूब जाती है, ये पहिए डूब जाते हैं बारिश में तो। हाँ। तो 2-3 महीने की दिक्कत ऐसे होती है। हाँ। थोड़ा तेज बोलो, आप क्या चाहते हो फिर, क्या होना चाहिए सड़क, क्यों नहीं लगता आपको? ये तरक्की होनी चाहिए इसकी, ऊंची, थोड़ी ऊंची होनी चाहिए।
और ज्यादा पानी होने पे हो सकता है कई बार स्कूटी भी चलाना मुश्किल हो। हाँ, अब दूसरे रास्ते से जाते हैं। दूसरे रास्ते से जाते हो तो ये रोज ऐसे ही बारिश में जाना आना होता है आपका। हाँ। चलिए आप जाओ, ये गांव की लड़कियां हैं जो इस बारिश, हालांकि बारिश का मौसम अभी नहीं है अगर देखें, और ये गांव वालों की शिकायत है। देखिए मैं बहुत जगह बहुत गांव में यूपी में घूम रहा हूँ लगातार, पहली बार एक गांव में ऐसे गांव में आया हूँ जब गांव के लगभग 50 60 70 लोगों से मैंने जिससे भी बात की, हर आदमी बुरी तरह से नाराज है इस सड़क को लेकर कि गांव की ये सड़क जो कहाँ किसको जोड़ती है, सड़क जंगारा गांव है उसको जोड़ दिया। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है, मेन आवागमन हमारा यहीं से होता है, करावली कागारोल मुख्यालय आगरा का जो मुख्यालय यहीं होके हम लोग निकलते हैं, यही हमारी मेन है। अगर हम कोई बीमार हो जाएगा तो यहीं स्वास्थ्य केंद्र हम यहाँ दिखाने आएंगे, उसके बावजूद जो भी शिक्षा का है, ये इंटर कॉलेज आप सामने देख रहे हैं, यही इंटर कॉलेज हमारा सरकारी इंटर कॉलेज है, हम यहाँ शिक्षा भी ग्रहण करेंगे तो यहीं से। यही हमारी बिजली की समस्या है, बिजली भी आती है लेकिन उपकरण, अब जो कोरोना महामारी थी उसमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, सरकार लगातार तमाम प्रयास कर रही है लेकिन उन प्रयासों को धरातल पर लाने के लिए। तो आपके गांव के जो बच्चे हैं इसी इंटर कॉलेज में पढ़ने आते हैं? इसी इंटर कॉलेज में पढ़ने आते हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज भी है वो प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ने आते हैं। तो जो बिजली है, बिजली भी टाइम से नहीं आती है, या नलकूप नहीं चलते, बिजली किसानों को पानी देने में काफी समस्या आती है, उसके बावजूद ऑनलाइन जो क्लासेस चलती थी, पढ़ने के लिए उपकरण चार्ज होना बहुत जरूरी है, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है बच्चे पढ़ते हैं तो उसको यूज करते हैं। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन कक्षाएं चलाइए, ऑनलाइन कक्षा महामारी में चलाई गई लेकिन उनका सदुपयोग नहीं है, क्यों बिजली नहीं आई तो पढ़ाई पे भी असर पड़ती है। तो निश्चित तौर पर ये मुख्य मार्ग है, यही मार्ग उन्नति के रास्ते को अपनाता है। तो ये मसीला गाँव की जो उन्नति है इस समय बिल्कुल डूबी हुई है, और जनप्रति और सरकार अपने मुँह ताकते हुए अपना विकास करने में लगे हुए हैं। चलिए तो ये अब सवाल यही उठता है, हालांकि ये 2.5-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो खेत है, खेत से ये सड़क कई जगह मुझे लगा कि 2-2 फीट शायद नीचे है, खेतों का पानी भी बारिश के मौसम में इस सड़क पर आता होगा, और वाटर लॉगिंग जलमग्न सड़क होती होगी। अब जहां सरकार गड्ढा मुक्त सड़क करने के दावे कर रही है और पूरे सूबे को खुशहाल करने के दावे योगी सरकार कर रही हो, या मोदी सरकार देश को खुशहाल करने के दावे कर रही हो, वहाँ अगर एक गांव के लोग अगर इतने परेशान हैं और दशकों से परेशान हैं तो मुझे लगता है उसका कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए। आगे आके बोलो क्या बोल रहे हो? जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि दो तीन महीने नहीं, ये 12 महीने खराब रहती है, क्यों कहते हैं किसान खेतों में सिंचाई करते हैं तो इनमें पानी फूट जाता है, तो ये फिर पानी भर जाता है यहाँ पे, तो ये 12 महीने खराब रहती है। इनको ही नहीं हमें भी दिक्कत होती है, जैसे चारा ले जाने में लाने में। तो आप लोग यहाँ के स्थानीय विधायक से बात नहीं करते हो क्या? आपके अब विधायक चमकीली गाड़ियों में घूमते रहते हैं, चमकीली कोठियों में, वो क्षेत्र में कभी निकल के नहीं आए, उनके लिए तो चमकीली चमकीली गाड़ियां, चमकीली कोठियां हैं। हमारी सांसद विधायक से यही गुहार है, एक बार क्षेत्र में आइए, इस जनता ने आपको वोट दिया, आपने यहाँ चाचा बोल के, भैया बोल के, बाबा बोल के सबसे वोट लिया, एक बार यहाँ घूम जाइए, ये सड़क है हमारा निस्तार उड़ जाए, क्योंकि इसी मार्ग से पढ़ाई, शिक्षा, हॉस्पिटल, सारा कुछ इसी मेन मार्ग से जुड़ा हुआ है हमारे गांव का, मसेलिया का। इससे यह है कि इसे टूटने से इतना नुकसान है कि हर साल कम से कम किसानों का मेरे हिसाब से 1 करोड़ का नुकसान यहाँ हो जाता होगा हर मौसम में, फसल का आप देख रहे हो जो भी, जैसे बरसात में खेत वेत यहाँ सारा कुछ एक हो जाता है बिल्कुल बाढ़ से, मतलब इधर दो ये वर्षा होगी या वैसे पानी जैसे ये जमीन में लगाए तो पूरा पानी सड़क पे आएगा, सड़क में चलेगा तो किसान जो कोई रास्ता गिरा है वो बड़ा परेशान हो जाता है। 2 किलोमीटर तक सर इधर तक पानी ही पानी दिखता है, इधर 2 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर पानी, और पूरी सड़क पे गांव तक पानी, मतलब जो दूधिया जाते हैं टंकी लेके इसी में गिर जाते हैं, उनका डेली नुकसान होता है 2-4 हजार रुपये का, कईयों के सर पैर टूट चुके हैं। और जैसे हमारे गांव के युवा लोग हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, भाई है जैसे हमारा, तो जैसे दौड़ भाग करने सुबह आते हैं तो किसी का पैर मोच, किसी का टूटना, किसी के फ्रैक्चर, ये सर मेन समस्या है। चलिए तो मैं हाँ बोलिए कोई बात कर चुका है इनसे, मैं अभी तो बात की आपने, बोलिए कुछ और करना। जी वो ये है कि हमारा जो कच्चा माल है, पक्का माल बना के ले जाते हैं, मेहनत करके ले जाते हैं, वो टूट जाता है सड़क पे, वो जो है रोजगार है हमारा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, इस रोड की वजह से आने जाने में बहुत समस्या होती है, और जो है रोजगार तो चला ही गया हमारा, कम से कम 150 आदमी थे हमारे, और वो सारा काम छोड़ के चले गए इसमें। मतलब क्या बनाते थे यहाँ? वो मूर्ति बनाते थे, एक वाइट पत्थर होता है उसकी, जैसे सेलम खरी होती है, ये सॉफ्ट स्टोन होता है उसको बोलते हैं, और एक टी आर वो होता है,
पत्थर उसमें से बनाते थे, मतलब टोटल जो है हाथ से ही काम होता था, उसमें हस्तशिल्पी था, कोई मशीनरी का काम नहीं है। राधा कृष्ण सबकी मूर्तियां बनाते थे, चलिए समझ गया। चलिए तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले, फतेहपुर सीकरी से घिरा हुआ एरिया हमारा, इधर 12 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी, इधर 40 किलोमीटर ताजमहल है। यहाँ इस क्षेत्र का विकास देखिए आप सर, सांसद विधायक बन गए, उनका काम निकल गया, आज तक वो यहाँ दिखे नहीं हमें, सिर्फ वोट हमारे, आज तक आया नहीं है, कैसा है हमारे गांव की, हमारे गांव की जो बूथ है 650 के करीब वोट है हमारे बीजेपी के लिए, इस गांव ने करीब करीब 650 में से 80 वोट ही बाहर निकले होंगे, 570 के आसपास वोट टोटल मतलब बीजेपी के लिए दिए कि अपना चार भाई है इसके लिए वोट दो, चार है। यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह देखा कि पहली बार कोई चार सांसद बनना है ये है, पर उनकी जो रणनीति है उन्हें सपने दिख रहे हैं सीएम या मैं और कुछ अध्यक्ष बन गया, सपने तो हैं योगी हैं तो उनके सपने से थोड़े होगा, नहीं उनके सपने भी हैं सर, अपना तो सोच रहे ना, अपने लड़के के लिए अभी उन्होंने कॉलेज खुलवा दिया, या पब्लिक के लिए क्या है सर, यहाँ पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं दिया उनके। चलिए ठीक है, बहरहाल मकसद सिर्फ ये सड़क दिखाना था, और चूंकि गांव वाले चाहते थे कि उनकी बात सरकार तक पहुँचे, योगी सरकार तक पहुँचे, स्थानीय विधायक तक पहुँचे, स्थानीय सांसद तक पहुँचे, इसलिए बाइक पर सवार होकर कुछ दूर में बाइक से आया, कुछ दूर में ऐसे पैदल आया, और अभी तो सड़क चलिए कुछ दूर तक, ये लगभग 700-800 मीटर ऐसे गड्ढा नुमा सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं उसमें पानी है, लेकिन इनका कहना है 4-5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर जो भी है गांव तक सड़क जलमग्न 4 से 5 महीने ये सड़क रहती है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करूँगा इस उम्मीद और अपील के साथ कि स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद उदय भान सिंह, विधायक जो योगी सरकार में मंत्री हैं, सांसद राजकुमार चहर जो यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, सांसद और विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इलाके के लोगों की समस्या सुने, और अगर एक गांव से दूसरे इलाके को जो ज़रूरी है स्कूल स्वास्थ्य सुविधाएं से लेकर सब कुछ के लिए यहां आना पड़ता है, जोड़ने वाली जो सड़क है उस सड़क के निर्माण के लिए पूरी ताकत लगाएं। फिलहाल इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, नमस्कार।